पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भाजपा नेता के परिवार ने आज थाने पहुंचकर महिला कांग्रेस नेता के उत्पीड़न से प्रताड़ित अपनी दास्तान थाना अध्यक्ष को बताई। पीड़ित भाजपा नेता के परिवार का कहना है कि महिला के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कांग्रेस की भारती शर्मा त्यागी नाम की महिला ने हमारे मकान को खरीदने की बात कही थी, जिससे हमने मना कर दिया था। तभी से महिला मकान को हड़पना चाहती है, जिसकी वजह से आए दिन आरोप लगाकर प्रताड़ित करती रहती है। महिला कांग्रेस नेता भारती शर्मा त्यागी के इन्हीं आरोपों की सच्चाई सामने लाने के लिए पीड़ितों ने अपने घर पर कैमरे लगवाए हैं, लेकिन महिला को डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, तो इसीलिए महिला बार बार कैमरे हटवाने के लिए पुलिस के पास जाकर शिकायत करती है। परिवार के लोग आज मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाने पहुंचे और अपनी दास्तान बताई। दरअसल गत दिनों कांग्रेस नेता भारती शर्मा त्यागी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो भी पुलिस की जांच में झूठे पाए गए, जिससे क्षुब्ध होकर बार बार महिला झूठी शिकायत कर भाजपा नेता के परिवार की छवि को धूमिल करना चाहती है। आज भाजपा नेता के परिवार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि महिला के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और आए दिन हमारे घर के बाहर पानी, नींबू, लौंग आदि फेंक कर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। जब इससे भी मन नहीं भरता तो भारती शर्मा त्यागी लड़ाई झगड़ा करती है। महिला खुद को कांग्रेस का बताकर भाजपा की छवि को भी धूमिल करना चाह रही है। आपको बता दें कि भारती शर्मा त्यागी के द्वारा अपना एक इंटरव्यू देकर भाजपा नेता पर आरोप लगाए गए थे, साथ ही एक शिकायती पत्र DIG को सौंपा गया था, जिसके बाद आज पीड़ित भाजपा नेता के परिवार ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी है। जी, इसने बहुत दुखी कर रखा है। यूँ कहती है, मकान छोड़ के भाग जा, नहीं तो तेरा मर्डर कर दूंगी, तेरे लड़के को जेल पागल खाने में डाल दूंगी और जीने में से पानी बहाती है। लड़का मेरा डिप्रेशन में जा रहा है, ये खड़ा हुआ है लड़का मेरा, इतना परेशान। यूँ कहती है, मेरी लड़की को छेड़ लिया, मेरी लड़की स्कूल जाती है तो लटका रहता है छत पे, हम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते, नहीं झांकने देती हमें, बाहर कोई दूध वाला आ रहा है या गेट बज रहा है तो हम बोल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते बिल्कुल भी। इतना दुखी कर रखा है इस औरत ने। आपने पहले भी कभी शिकायत की थी इसकी? हाँ, हमने पहले भी करी थी। पहले ये मकान नीचे से बना के ले जा रही थी, हमारा ऊपर से सामान नहीं उतर सकता, इसने बढ़ा के एक मीटर इधर को बढ़ाया गैलरी में। रात को गेट का कुंडा तक नहीं लगाने देती क्योंकि इसके आदमियों का आना जाना लगा रहता है। जो कहती है, तेरा मर्डर कर दूंगी, तेजाब डाल दूंगी, जीने में पानी बहाएगी, कुत्ते की टट्टी है, कुत्ते को गेट में बैठा देती है, ऊपर नहीं चढ़ने देती, शरीर कांप जाता है मेरा, इतना दुखी कर रखा है। एकदम पैर कांपते हैं हमारे। तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों से फोन कर करके, जब ये हमें परेशान करेगी कभी कभी तो हमारी आवाज निकलेगी तो हम डर जाते हैं, तो डर जाते हैं, तो मुझे कुछ तो निकलेगा ही, मैं तो कोई गाली भी नहीं देती है। तभी अधिकारियों से कहती है कि हम इसकी वीडियो दिखाएंगे, आपको वीडियो दिखा देंगे, सिलाई कर, छोटी सी सिलाई करके जीवन यापन करती है, सिलाई वालों को ऊपर नहीं आने देती। तो क्या पंडित कुछ लेके आ जाता है खाना होना, उनको नहीं आने देती, वो सब डर के मारे कुत्ते से भाग जाते हैं, ऊपर किराएदार को नहीं रहने देती, कुत्ते को बैठा देगी तो आदमी का एकदम बैलेंस बिगड़ जाता है, डर जाता है आदमी, एकदम ऊपर से नीचे भागना पड़ता है, कुत्ते को ऊपर को भोगड़ देती है और अपने जो आते हैं उनको तो कुत्ता अंदर बंद कर लेती है। थे क्या हुआ है ये बताइए। अरे, एक हमारे मोहल्ले में ना दीनदयाल नगर में भारती त्यागी शर्मा रहती है और उसने 3 साल से हमारी बड़ी नाक मतलब इतना परेशान कर रखा है हमें कि बस बता नहीं सकते। उसने पहले भी केस डाले हमारे बच्चों के लिए ज़बरदस्ती के, फिर उसके उस समय कॉलोनी वासियों ने साइन करके दिए थाने में कि ये बच्चे तो हमने छोटे छोटे देखे, आज तक ये बच्चे कभी किसी बच्चों को नहीं छेड़ते, तो इसकी लड़की को या इस बूढ़ी औरत को क्या छेड़ेंगे। लेकिन इस बूढ़ी औरत ने इतना दुखी कर रखा है कि अब शांत हो गया था, फिर इसने आप इस बार इनने फिर अपने कहीं फेसबुक पे, कहीं ट्विटर पे, कहीं काई पे, इसने सिर्फ मैंने जब मकान हम या हमारे घर के सामने आई थी 3 साल पहले, तो इसने मकान की बात करी थी कि तुम कॉर्नर में प्लाट पाए तुम वो उसमें रह लो, हम मुझे दे दो ये मकान। तो हमने इससे उस मकान के बारे में कही, अरे ऐसे कैसे देते। इसके बाद मैंने 2-3 ग्राहक लगाए हमारे मकान के लिए, लेकिन हमें तो बेचना नहीं था, हमारे 3 बच्चे हैं तो बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, कभी सोचे नहीं ना बेचें ना बेचेंगे। उसके बाद में इसने हमसे खुन्नस रखना शुरू कर दी और दरवाजे के आगे गेट के सामने मेरे घर के आगे जब मेरा गेट बोने लगा हुआ था फाइबर सीट, तो ये नंगी होकर खड़ी हो जाती थी
और उसके बाद में गालियाँ बकती थी माँ बहन की, वो वीडियो भी मेरे पास है जिसमें इन्हें बड़ी गंदी गंदी गालियाँ बकती हैं कि इन बच्चों को, जब तो ये बच्चे शादी भी नहीं हुई थी, कि इन बच्चों को फंसवा दूंगी, इन बच्चों को मैं जेल करवा दूंगी, और तुम इसकी इनकी शादियाँ नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। उसके बाद में कोई बात नहीं, ये गंदी संदी बकती रही, इसने खूब थाने में एप्लीकेशन देना और ये अगेरा, इनने बहुत सारे काम किए और टोने टोट के ये इतने करती है कि इसके वीडियो में साक्षात आपको दूंगी। हर समय ये कीले डालना, उड़द डालना, इसने मेरे पड़ोस के घर में ही नींबू और सब, मतलब वो वीडियो भी मेरे पास है, उसे भी मैं जरूर दूंगी, नींबू डालना और उसमें खून जन पता नहीं क्या क्या लगा के इसने उनके घर में किया। हमारे घर में इसने बहुत ज़्यादा छिड़काव के पड़ पड़ के पानी और ये हमारे घर में डाल रही थी। इसने इतना दुखी कर रखा है कि हमारी पूजा पाठ, हमारा परिवार बिल्कुल सिंपल सोवर परिवार है। आप कहीं भी जाएं, जो भी मेरे उसको देखें, बिल्कुल आप कहीं भी जाएं और हमारे बारे में मालूम करें। मैं सुनीता गुप्ता बोल रही हूँ, लेकिन एक औरत ने हमारा पूरा परिवार पूरी, अच्छा, इसने आरोप लगाया कि वो कैमरे वगैरह का, जो कैमरे लगा रखे हैं अपने की उसके घर की तरफ, वो कैमरे भी हमने जब लगाए थे, हमने उसके घर के सामने नहीं लगा रखे कैमरे, हमारे कैमरे अपने घर में लगे हुए हैं। और वो इसलिए है कि ये दिन रात टोने टोट के करना, और इसके जेंट्सों का आना जाना रहता है 24 घंटे, इसका पति इसके साथ नहीं रहता है, इसका पति दिल्ली रहता है, और उसे भी ये गालियाँ बक बक के भगा देती है, ये अकेली ही रहती है।